तो जगार जो धातु रत्न रही सूचक देख पूर्णिमार पूर्णिमार देख सारापर से कार्य करू हाथ देवु ना पूर्णिमा अमावास्या अपेक्षा करू बुझिपार तर घर कर अधूरा पड़ी से घर भी पूर्ण हो घरे अशेष प्रकार मोड़ रही वास्तु तर समस्या रही बासुकी नाग शुणी रख जेतबेले तोर राशि चक्र काल अनुजाई बासुकी नाग बुलू थाए कार्य निर्धारण करिथाए दंडकरण नीता अनुजाई दि भाग्य निर्धारण हो जाए तापर जेतबेले तोर घर करितु वास्तु भाग दिया जाइथिला वास्तु ठीक नहीं बापा तोर बुझिपारिलु वास्तु समस्या रही घर करिछु मोड़ रही कौटी तत अंटब क्षय क्षति हो शरीर खराब रोच अर्थ हानि रोच सत्य कि नहीं पा वास्तु तोर अनेक समस्या वास्तु ठीक कर जिनस जो रही बाहर करदेबु अस्थिशल्य खपरा पाउस रही बुझिपारिल जदि तीन उच्चता किंबा पांच उच्चता तलक गभर को रही था बाहर कर दिया दरकार ना सी रही दुई उच्चतार रही बाहर करदेबु बापा कौन मुंड को सी रही कहली परा से आगे बाहर खपरा बाहर पाउस बाहर अस्थि एड़ बड़ अस्थि खंड बाहर बुझिपारू तापर ताकू चारि चाखंड भितर को गभर करदेबु जहा अच्छी बाहर करदेबु बाहर कर सारापर तोर भल कार्य बापा लगे जा बापा जा ठीक सत्य ना का मिथ्या कह से जिनस लोभाशक्त है से जिनस अच्छी बोली तू से जगह को छाड़ू ना सत्य ना मिथ्या कह शुणु अपेक्षा कर सब ठीक है जो जगह स्थानातरित करने को चाहू जगह घर करने को से जगह हूँ लक्ष्मीमत जगह से घु घु कर उन्नति कर मोर आंठ घंटी बात भल कर दे मो शरीर सुस्थ कर दे रोग आरोग्य मुक्त कर आग बड़ी जमती चलु थी बुलु थी कार्य करू थी सब से कर केमती लगुची आउ आंठ गंठी बिंधा होमती लगुच कह जा ठीक लगुच पूरा भल हो गला एबे खुशी तो जा कत बर्ष बुलला नई रोग मेडिकल जाइलु कि भल हो कण हलु कह जा ना विख्यात कर जा खर्च कला तोर देह जो जगार तोर घर जो स्थान तू घर करिछु घर तले देवी शक्ति अच्छे से जगार घर हो पारुनी माटी घर हो पड़ी सत्य कि नहीं कह जेतबेले देवी शक्ति उद्धार पाई सरिबो तापरे तोर उन्नति बहुत हम जो क्षेत्र में हाथ देचु टिके अपेक्षा करिबु तो कर्म क्षेत्र सदृढ़ रही उच्च पदवी रे पदस्थ रहिबु बुझिपारिलु बापा तापरे शत्रु अनेक रही सत्य किंतु शत्रु कथा को लक्ष्य देबु नहीं रे बापा तुमर नहला काम सब कर कर्म क्षेत्र रही बाकी तोर कर्म क्षेत्र उच्च पदवी रे पदस्थ रहिबो ग्राम ना कह एम कते दिन है विचलित हलुँ तो मुंड कम कर
ଭଲ ବାଇକି ତୁ ପାଗଳ ରେ, ତତେ କିଏ ଗୁଣିତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର କରିନାହାନ୍ତି, ସତ୍ୟ ନା ନାହିଁ କହ। ତୁ ଭଲ ବାଇକି ଏମିତି ହଉଛୁ, କାହାକୁ ସିନା ରୋଗରେ ପଡିକି ଛଟପଟ ହେଇ ଠିକ ଆସୁଛନ୍ତି। ତୁ ଭଲ ପାଇ ସେ ଝିଅ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଭାବି ତୋର ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛୁ, ତତେ ଗୁଣିତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର କିଛି ହେଇନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲୁ? ଏଇଟା ସତ୍ୟ ନା ନାହିଁ କହ। ସେ ତୋ ହାତରେ କଥା ହଉନାହିଁ, ହଉଛି? ତୁ ତା ଲାଗି ପାଗଳ ପରି ହଉଛୁ କି ନାହିଁ କହ। ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଛାଡି ଦେଇଛୁ, ମିଥ୍ୟା କହୁଛି କିରେ, ସତ୍ୟ ନା ନାହିଁ କହୁନୁ? ଯାଇଥିଲା ତୋ ଘର ଦେଖିବାକୁ? ମୁଁ ତ ମା, ଜଗତର କଥା ଜାଣିବି, ଜଗତ ତ ମୋରି ଠାରୁ ଜାତ। ଏଠି ପରା ବସିଥିଲୁ, କେତେ ଲୋକ ଆସିଲେଣି, ମୋ ଛୁଆ କଳ ଯାଇଥିଲା ଦେଖିବାକୁ କାହାକୁ? ମୁଁ ବନ ଦୁର୍ଗା, ମୋର ଇଏ ଜଙ୍ଗଲର ଗହନର କଥା, ଇଏ ତୋ ମନର ଗହନ କଥା, ସେଇ କଥା ବୁଝିପାରିଲୁ? ମନର ଗହନ କଥା, ତୋର ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି, ତୁ ତାକୁ ଦେଖିବୁ ବୋଲିକା ଅହରହ ବୁଲୁଛୁ ନା ନାହିଁ କହ, କିନ୍ତୁ ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡ ନୁହା ତେଲ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ମୁଣ୍ଡ ଭାର ଲାଗୁଥିଲା, ଦେହ ଝିମଝିମ କରିଦେଉଥିଲା, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇକି ଫୋପାଡ଼ିଥିଲା, ଏବେ ଚାଲ ଖୁସିରେ ଚାଲ ଚାଲ ଏଥରିକ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତୋର? ଭଲ ପାଇଲାଣି କେତେ ବର୍ଷ? କିଛି ତୋର ହେଇନି, ଗୁଡ଼ିଗାରେଣୀ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ହେଇନି, ତୁ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛୁ, ମନେ ରଖିଥା। ମାନସିକ ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ ରୋଗ, ମଣିଷକୁ ମାରିଦେଇପାରେ, ପାଗଳ କରିଦେଇପାରେ। ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଉ କରିବୁନି, ଖରାପ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଆଣିବୁ ନାହିଁ, ଭାବନା ରହିବୁନି, ଆଜିଠାରୁ ଭଲ ହେଇଯା। ତୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି ସେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ତୁ ଖାଇକି ଠିକ ସମୟରେ ଠିକ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କର, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗିପଡ଼। ମୁଁ ତ ମା, କର୍ମ ହେଉଛି ଭଗବାନ, କର୍ମ କରି ଚାଲିବୁ ତାପରେ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ବୁଲା ବେକ ଦରଜ ଲାଗୁଛି? ଏବେ ହାଲକା ଲା ଯା, ପୁଣି ମିଠା ଫଳ ବି ଫଳିଥାଏ।